लगभग हम पहुंच चुके हैं गुजरात के स्टेशन पे और मुझे अभी तकरीबन 9:15 बजे आएगी गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। तो आज अभी इस वक्त हम सुबह का 9 बज रहे हैं और हम गुजरावाला के स्टेशन पे, हमारे साथ है मोहम्मद मूसा और हम जा रहे हैं हैदराबाद सिंध। और मेरे तायबू का इंतकाल हो चुका है, जुम्मे वाले दिन जो है मेरे तायबू का इंतकाल हो चुका था रात के टाइम, और सुबह मुझे 5 बजे खबर मिली है। हफ्ते वाले दिन जो है पूरा लाहौर यहाँ बंद था, तो मुझे निकलना था तो गाड़ी की और टिकटों की बड़ी मुझे परेशानी हो रही थी। इसके बाद मैं आया हूँ खाला घर में गुजरात, खाला ने भी जाना था सिंध। तो अभी हम गुजरात के स्टेशन मौजूद हैं, तो आज यहाँ से हम निकलेंगे, इतवार का दिन है। और हफ्ते वाले दिन 2 बजे के टाइम रहता है उसका जो है नमाज नाजा हो चुका था। तो तमाम दोस्तों से और तमाम फैंस से, तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि तायबू के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनको जन्नत की जगह दे। और मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत बेहतर थी, एकदम बीमार हुए और अचानक से हमारे साथ हमारे बीच में चले गए। तो पहले जो हम थे गुजरावाला में रह रहे थे, फिर गुजरावाला से हम आए गुजरात की साइड पर, वो भी 125 मोटरसाइकिल पर अपने कज़न के साथ जिसका नाम था इकरार, तो वो हमें लेकर आए थे। तो रात को जो है हमारे साथ जो है मूसा के साथ हमारा वक्त गुजरा। हाँ मूसा, क्या कहोगे? कुछ नहीं। कुछ तो बोल। क्या बोल? हाँ तो भाई मूसा जो है ना शर्मा रहा है, अगर वीडियो बनवा रहा है मगर शर्मा रहा है, बोल कुछ नहीं रहा मूसा। भाई लोग अभी इस वक्त हम पहुँच चुके हैं वज़ीराबाद जंक्शन पे, वज़ीराबाद गाड़ी रुकी है। हम इस वक्त पहुँचे हैं फैसलाबाद, गुजरात से हम चले थे, 1 बज चुका है, फैसलाबाद पे अभी रुकी है गाड़ी, स्टे की है, रोटी शोटी खा ली है, थोड़ा टेल रहे हैं। अभी करीबन आधा घंटा और रुकेगी, उसके बाद चलेगी हमारी ये गाड़ी, पहुँचेंगे हैदराबाद। मुझे लगता है सुबह के 6 भी बज सकते हैं या फिर हम रात के 3 भी बज सकते हैं। भाई लोग आखिरकार खाने वाल पहुँच चुके हैं हम, और बड़ा जलील और ख्वार होकर इस वक्त खाने वाल पहुँचे हैं, अब जाके सुख का सांस लिया है। भाई लोग जब गुजरात से बैठे हैं और खाने वाल तक जलील और ख्वार इसलिए हो चुके हैं कि यहाँ पर ये ट्रेन नहीं, ये होचड़ी की बस बनी हुई थी भाई, समझ गया कि मैं एक बंदा सामने से आ जाए, दूसरा बंदा जा नहीं सकता था, वाशरूम नहीं जा सकता था, खड़े हुए थे। और मेरे तो फिर टिकट लिया था एमरजेंसी टोकन का, ठीक है, तो एक ही सीट थी हमारे पास। रश ऐसे जैसे होसड़ी की बस भरी पड़ी है, दबा के अब जाके सुख का सांस लिया यार, हद होती है। भाई लोग खाने वाला आए हो और नान चने का सालन ना खाया हो तो मज़ा नहीं आता, और मैं जब भी आता हूँ खाने वाले लाजमी नान चने ना खाता हूँ जी, रोटी है, रोटी है, सफ़र का मज़ा आ जाता है, बड़े ज़बरदस्त नान चने होते हैं। तो भाई लोग खाने वाले में आओ तो नान चने खाओ, और तमाम स्टेशनों पर जब भी खाना खाओ तो नान चने के सिवाय कोई खाना मत खाओ भाई, पैसे फजूल जाते हैं। तो भाई लोग अभी इस वक्त हमारे साथ बैठा हुआ है इस वक्त मूसा, और मूसा क्या खा रहा है भाई? हाँ तो जगह किसी बना दी अपन भाई ने, किसी जगह दी चलो बैठे हुए घटता है। भाई लोग सुबह के 6 बज चुके हैं और हम हैदराबाद स्टेशन पहुंच चुके हैं। हाँ भाई मुस्तफ़ा, हाँ बोलो, क्या बोलो, अभी बोल रहे थे ना, कुछ बोल रहे थे। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हम आए और रात को 6 बजे पहुँच रहे हैं। अच्छा, वैसे कितने बजे तक आया है अभी? क्या वैसे कितने बजे तक आए हो अभी? हम आ जाएंगे 6 बजे, सुबह के 8 बजे बैठे थे। तो ये 3 है जाएंगे, 3 हो जाएंगे तो हमारा स्टेशन आ जाएगा। तो भाई लोग फाइनली जो है हम हैदराबाद स्टेशन पर पहुँच गए हैं, गाड़ी 0-0 है, मैंने बस